का निर्णय कर दिया। साहब किसको कहते हैं? तो बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है, जब उनका विचार होता है प्रकट होता है, जब उनका विचार होता है लुप्त होता है, और सदा आनंद में रहता है और सदा आनंद देता है, उसी का नाम साहब। तो साहब सबका बाप है, बेटा कहो के ना, भाषा में आज की भाषा में सबको साहेब कहते हैं, मंच में बैठे उनको भी साहेब कहते हैं, नीचे बैठे उनको भी साहेब कहते हैं। आज हर व्यक्ति को साहेब शब्द से उच्चारण करते हैं, महान साहेब, दीवान साहेब, साधु साहेब, गांव में सरपंच साहेब, पंच साहेब, कलेक्टर साहेब, तहसीलदार साहेब, कौन साहेब है भाई, इनको साहेब कहते हैं। ये मंच में बैठा है वो साहेब है कि नीचे बैठे वो साहेब? साहेब कौन है? आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोनी जब पीवा हमारा, जिनका आना जाना जन्मना मरना नहीं होता उनको साहेब कहते हैं। लेकिन आज की भाषा में सबको साहेब कहने का मतलब ये है, क्योंकि साहब का साहिबी सब के अंदर में समाया हुआ है। साहब तेरी साहब सब घट रही समा, जो मेहंदी के पात में लाली लगी न जा, साहब का साहिबी सब के अंदर में समाया हुआ है। इसलिए आप लोग भी साहेब बंदगी कहते हैं और मैं भी साहेब बंदगी कहता हूं, तो बंदगी किसका होता है? वही साहेब आपके अंदर में है, वही साहेब मेरे अंदर में है, वो साहेब का बंदगी होता है। तो मैं वही साहेब की चर्चा करूंगा। वही साहब दुनिया में जीव चेताने के लिए सतयुग में आया तो सब सुकृत कहाया, त्रेता में आया तो मुनिन्द्र कहाया, द्वापर में आया तो करुणामय कहाया, और कलयुग में आया तो कबीर कहाया। इस बात को धनी धर्मदास साहेब कलयुग में पूछे हैं, गुरुदेव कौन कौन युग में कौन कौन नाम से आए और कौन कौन जीव का उद्धार के कम से कम संक्षेप में बना बता दो। धनी धर्मदास साहब के पूछने पर सदगुरु कबीर साहब कहते, धर्मदास सतयुग में मैं आया तो मेरा नाम सब सुकृत हुए। उस समय राजा धोधम खेम सरी ग्वारी इत्यादि को शरण में लेकर के उन लोगों का उद्धार किया। त्रेता में आया तो मेरा नाम मुनिन्द्र हुए। उस समय विचित्र भाट मधुकर ब्राह्मण रानी मंदोदरी इत्यादि को शरण लेकर के उन लोगों का उद्धार किया। द्वापर में मैं आया तो मेरा नाम करुणामय हुए। उस समय राजा चंद्रविजय रानी द्रौपदी इत्यादि को शरण में लेकर के उद्धार किया। और मैं कलयुग में आया हूँ आप सबके कल्याण करने के लिए, तो मेरा नाम कलयुग में कबीर हुए। तो आपका आने का कारण क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मेरे आने का एक ही कारण है, जीव दुखी देख है भव सागर और ता कारण पग धारा। सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मेरे आने का कारण एक ही है, वो जीवों को दुखी देख करके मैं आया हूं इस संसार में। सदगुरु कबीर साहब जिस समय ये संसार में आया तो दुख का कारण क्या है? उस समय हिंदू और मुसलमान थे। अब मुसलमान ने के राज्य के होने के नाते हिंदू को मार पीट करके मुसलमान बनाते थे, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते थे, अब खुलेआम कत्ल करते थे।
लोगों की पुकार सुनकर के सदगुरु जीवों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए सदगुरु कबीर साहब का आना कलयुग में होता है। धर्मदास जी पूछते हैं, गुरुदेव आपका आना कहां से हुआ है, कैसे आए, कहां आए, किसने देखा, ये तो जरा सा बता दो। सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मैं ऐसे लोग से आया जहां जाने से आना नहीं होता है। जहां जाए सुख हो ऐसे देश से मैं आया इस संसार में। कौन से लोग हैं? धर्मदास जी ऐसे 14 लोग मानते हैं शास्त्रों में। 7 लोगों पर ओम भूर भुवा स्व जन म तप और सत्व, ये 7 लोग ऊपर होता है और 7 लोग नीचे होता है। अतल वितल तलातल महाताल सातल भूताल पताल, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, ये 14 लोग होता है और 14 लोग में सबसे बड़ा लोग वो सत्य लोग है। और वो सत्य लोग से ये स्मृत लोक में मैं काशी के लहर ताला में कमल के फूल पे ज्योति के रूप में मैं आया। धर्मदास जी कहते हैं, सतलोक से इस मृत लोक में आया, काशी के लहर ताला में कमल के फूल पे आया, ज्योति के रूप में आया, तो आपको किसने देखा है, क्या प्रमाण है। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सतलोक से जब मृत लोक में काशी के लहर ताला में कमल के फूल में ज्योति के रूप में मैं जब आया, उस समय राम मंदिर के पुजारी अष्टानंदी महाराज ध्यान लगा के बैठा था। अष्टानंद स्वामी बैठे, अष्टानंद स्वामी बैठे ध्यान लगाए, तेज पूज रूप देखे दर्शन लपाए। ऐसे कैसे हो, कबीर साहब कहते हैं, प्रकाश के रूप में आया क्योंकि सत्य लोग की ऐसी बाता कोट शशि एक रोह मन। सतलोक की शोभा कैसे है, सतलोक की वर्णन किया, सतलोक केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जहां एक रूप में करोड़ों चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश है, तो हमारे शरीर में कितना प्रकाश है ये समझ सकते हो। इसलिए मैं सतलोक से मृतलोक में आया तो केवल प्रकाश के रूप में आया। और अष्टानंद स्वामी ध्यान में बैठे थे, जब मैं प्रकाश से उतरा तो उनका आंख खुल गया ऑटोमेटिक और चारों तरफ देखा, केवल प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश उसको नजर आया। तब तो अपने गुरु रामानंद के पास गया और रामानंद के पास जाकर के कहा, गुरुदेव मैं काशी के लहर ताला में ध्यान लगा के बैठा था, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया, ये क्या हो सकता है, ये बताओ।
अष्टानंद की बात को सुनकर के गुरु रामानंद जी ने विचार किया।